सो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी ई पाठशाला में। मेरा नाम है दिनेश और हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स। तो हमने पिछले पार्ट में एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने वाले हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ड्रॉ आ रफ फिगर, एक रफ फिगर हमको ड्रॉ करनी है ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। एक क्वाड्रिलेटर होना चाहिए डेट इज नॉट अ पैलोग्राम, लेकिन वो पैलोग्राम ना हो बट हैज एग्जैक्टली टू ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर। यानी कि हमको एक ऐसा क्वाड्रिलेटर बनाना है जो पैलोग्राम ना हो, लेकिन जो उसके ऑपोजिट एंगल हो ना कम से कम एक, वो इक्वल होना चाहिए। तो जल्दी से अपनी मेमोरी को थोड़ा सा रिवर्स करो और एक याद करो मैंने क्या बताया था। एक मैंने क्वाड्रिलेटर बताया था जिसमें ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, एक ऑपोजिट एंगल तो इक्वल होते हैं लेकिन एक ऑपोजिट एंगल इक्वल नहीं होते, ठीक है। एडजेसेंट साइड इक्वल होती है। कुछ याद आ रहा है? देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, यहाँ पर काइट बताया था ना मैंने। काइट काइट में क्या बोला था मैंने कि जो ये काइट है, मान लो ये मेरे पास एक काइट बना दी मैंने, ठीक है, क्वाड्रिलेटर है, ठीक है, ये दोनों एडजेसेंट साइड एक दूसरे के बराबर है ना, और ये वाली साइड एडजेसेंट, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर, लेकिन ये चारों एक दूसरे के बराबर नहीं है ना। और क्या बताया था कि ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे है ना, लेकिन ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पर ए बी सी डी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एंगल डी बराबर है एंगल बी के, लेकिन एंगल ए नहीं है बराबर किसके, एंगल सी के। तो उन्होंने यही बोला था कि ऐसी कोई एक रफ फिगर बनाओ जिसमें एक एंगल कम से कम बराबर मिल जाए, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि भाई ऑपोजिट एंगल, ये दोनों तो ऑपोजिट एंगल है, ये दोनों बराबर है, और ये दोनों भी ऑपोजिट एंगल है लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। तो वो रफ स्केच किसका बना सकते हैं हम लोग, काइट का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, काइट ऐसी हमारे जो क्वाड्रिलेटर है जिसमें क्या होता है ऑपोजिट एंगल एक इक्वल होते हैं एक इक्वल नहीं होते, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।